बापूजी को ये जो भी आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। बापूजी तो भगवान है हमारे। सरकार से ये करते हैं कि आप धर्म की रक्षा के लिए हमारे बापूजी को छोड़ दीजिए। आरोपों में कोई भी 1% सच्चाई नहीं है। हिंदू सरकार बनी हुई है ये सरकार, बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है सरकार से कि हमारे बापू को जरूर न्याय मिलेगा। मतलब मेरा नाम देवीलाल भावसार है, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। कितने सालों से जुड़े बापू? मैं कम से कम 25 साल से जुड़ा हूँ। 25 सालों से ये बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके विषय में क्या कहूँ? सब बेबुनियादी, कोई सार नहीं है उसमें, क्योंकि एक बच्चा भी जब से दीक्षा लेकर निकलता तो वो कहाँ पहुँच गया? तो बापू जी ऐसा काम कर सकते क्या? ये सब राजनीति है और राजनीति ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। ये बापू जी तो परमात्मा, उनके आगे तो हम। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है ये तो बापू के अनभक्त है, अंधश्रद्धा। ये मीडिया ने ब्रेन वॉश करा है, ये ब्रेन वॉश अच्छे अच्छों को कर दिया। कई लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग जो आप जुड़ने के लिए तैयार बैठे हुए उनके लिए हम सरकार से ये करते हैं कि आप धर्म की रक्षा के लिए हमारे बापू जी को छोड़ दीजिए। आप भी कहाँ? इंदौर से? जी हाँ, मैं इंदौर से, मैं 22 साल से जुड़ा हूँ इंदौर से। जी हाँ, क्या कहोगे बापू पे जो आरोप लग रहे हैं? ये बेबुनियाद है सर, बेबुनियाद है सर, कोई मतलब नहीं है इसमें। बापू जी तो भगवान है हमारे लिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता बापू पर आरोप लगे कुछ भी, आज भी बापू को भगवान मानते हो? भगवान मानते। क्या नाम है माता जी आपका? मैं सुनंदा, मेरा नाम है, और मैं 15 साल से बापू जी से जुड़ी हुई हूँ। और बापू जी को ये जो भी आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियाद आरोप है। क्या सारे लोगों को ये पता हो गया है कि बापू जी निर्दोष है? बापू जी को कोई भी 1 आरोप सिद्ध हुआ ही नहीं है। 1 आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और सजा कैसे हो गई है ये सारे लोग जान चुके हैं। मैं ऋषि प्रसाद की भी सेवा करती हूँ। हम जहाँ जहाँ घर घर जाते हैं ना, ऋषि प्रसाद बिल्कुल सहर्ष, बिल्कुल अच्छे से वो लेते हैं हम लोगों से और कहते हैं कि हाँ वाकई आपके बापू निर्दोष है। और क्यों उनको? आपने बताया 15 सालों से जुड़े हो, तो आश्रम में क्या कोई गलत गतिविधियाँ होती है? 15 साल से हम लोग आश्रम में जा रहे हैं, हमारे घर के लोग भी आश्रम में आते हैं, तो क्या वो लोग ऐसे गलत जगह पर जाने देंगे क्या? क्या गतिविधियाँ होती है? गतिविधियाँ वहाँ पर देखो, हर महीने अन्न का दान होता है वहाँ पर, 250 लोगों का वहाँ अन्न का दान होता है। ऋषि प्रसाद की सेवा होती है और अमावस को भंडारा होता है। मतलब गतिविधियों का यदि बताना चाहे ना तो ढेर लग जाएगा, इतनी गतिविधियाँ होती है। ये क्यों नहीं दिखाते हैं? ये गतिविधियां क्यों नहीं बताते? वहां जब अन्न का 250 लोग दरिद्र नारायण आते हैं तब मीडिया वाले कहाँ चले जाते हैं? तब मीडिया वालों को ये बापू जी का अभी प्रयागराज में इतना उन्होंने सब भंडारा करा, प्रयागराज में, केदारनाथ में जब इतना आपदा आई थी वहां पर जब लोगों ने सहायता करी, तो ये टीवी में क्यों नहीं दिखाया जाता है? ये अच्छी अच्छी बातें बापू जी की क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्या मांग करोगे? एक महिला हो, देश के प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से मेरे को पूरी उम्मीद है, ये सरकार बहुत अच्छी है, हिंदू सरकार बनी हुई है ये सरकार, बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है सरकार से कि हमारे बापू को जरूर न्याय मिलेगा। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई? आरोपों में कोई भी 1% सच्चाई नहीं है और सरकार से हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार बराबर हमारा बिल्कुल। आपने देखा ये इंदौर से आते हैं, इनका यही कहना है कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रम में जाते हैं लेकिन कोई गलत गतिविधियां नहीं होती है, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मोलेथा से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए।